जय भीम नव साथियों वॉइस ऑफ बुद्धिज़्म में आप सबका स्वागत है आज हम आए हैं रायगढ़ ज़िले के मानगांव तहसील में और यहाँ पे एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस ऐतिहासिक धरोहर को लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ लेनी संवर्धक मुकेश यादव सर है और प्रशांत माली सर है दो दो तो दो 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 दो। आज हम इन तीन लोग हैं और आज चौबीस जनवरी है और चौबीस जनवरी के दिन हम आज आए हैं रायगढ़ ज़िले में मानगांव तहसील के विबुलकोंड और डोंगरौली के बीच में जो श्रीवर्धन के लिए जाने के लिए जो हाईवे है इस हाईवे के बीच में ये ऐतिहासिक धरोहर है हमें इसकी जानकारी मिली थी और ये सारी साइट हमें डिस्कवर करना है और इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस साइट का लोगों तक तो पहुँचे और इसका संवर्धन के लिए काम भी हो जाए क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर इस बीच में क्यों है क्यों इसका निर्माण किया गया था क्या वजह थी ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे आ, ताकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे धरोहर है जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रूट्स पर होते हैं और ये भी सबसे बड़ा ट्रेड रूट्स है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है आ, जब हम इसकी जानकारी जानते हैं तभी हमें सारी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आ, आगे हम जाके लेनी में जो इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं वो भी हम आगे तक आप देखते रहिए आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात समझनी चाहिए इसके लिए प्रयास है हमारा तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर करना ना भूलें तो चलिए दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए सफ़र में किस तरीके से लेने के लिए जाने के लिए रास्ता है वो हम सब देखेंगे और लेनी किस तरीके से है और आज उसका क्या हालत है और किस हालत में वो लेनी है ये हम देखने वाले तो चलिए दोस्तों हमारे साथ बने तो साथियों जिस जगह पर ये ऐतिहासिक धरोहर है वो जगह जैसे मैंने पहले बताया था कि रायगढ़ ज़िले के मानगांव तहसील में डोंगरौली आर डोंगरोली के बीच में ये एक जगह है ऊपर पहाड़ पर है रास्ता थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन ये जो धरोहर है ये हम ये कह सकते हैं कि या तो ये लेनी का निर्माण किया है और वो भी हमें इस तरीके से दिखाई देता है वो आधा अधूरा है आधा अधूरा होने की वजह यह है कि जो आगे का जो ऊपर वाला जो रॉक है वो बिल्कुल ख़राब होते चला गया है बिल्कुल ख़राब है इसकी वजह से ये लेने का निर्माण पूरा हुआ नहीं है और दूसरी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस जगह पर कुछ भुयार टाइप बनाने की कोशिश की रही होगी तो भी हम इसे कह सकते हैं लेकिन ये जो दीवार का स्ट्रक्चर है दरवाजा का स्ट्रक्चर है और अंदर उससे सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा सा हमें और नज़र में आता है कि ये लेने का निर्माण करने की कोशिश तो की है लेकिन ये पूरी तरीके से दग, ये जो पत्थर है वो सही ना होने की वजह से ये आधी अधूरी छोड़ी है क्योंकि ये पूरे एरिया में ये जो पूरा एरिया है इसमें ऐसा कोई अच्छा रॉक है नहीं यानी कि अच्छा पत्थर है नहीं कि जिसपे अच्छी सी कार्विंग हो सके इसके लिए इसका जो निर्माण हुआ है वो आधा अधूरा हुआ है तो ये लेने का मैंने जैसे बताया था कि ऐसे ऐतिहासिक धरोहर बहुत जगह पर है अभी इसका भी मय तो ऐसी है क्योंकि ये बनाने के लिए किसी न किसी ने मदद की होगी किसी न किसी ने अपनी दान परमिता लगाई होगी इसके लिए ये बना है तो ये आधा अधूरा है फिर भी हमारे भारत का ये हिस्टोरिकल एविडेंस है कुछ ना कुछ यहाँ पे पत्थर पे बनाने की कोशिश की है तो ऐसा ये धरोहर है जिसे डोंगरोली लेनी के नाम से जाना जाता है हम अगर आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे गूगल मैप पे इसका लोकेशन भी है और इसके सारे फ़ोटोज़ भी है वो भी आपको मिल जाएंगे अभी हम इसका लोकेशन और अपडेट कर रहे हैं जिसमें हमारा वेबसाइट होगा वेबसाइट के साथ साथ उसमें इस लेने की थोड़ी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी और उसके साथ साथ कुछ आ, आ, अभी के अपडेट के फ़ोटोज़ भी रहेंगे कि अभी इसका सिचुएशन क्या है क्योंकि इस साल जो भारी बरसात की वजह से तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे पड़े हुए हैं रास्ते में तो आने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है और यहाँ का जो जंगल है जिसे हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो जंगल है वो जिस जंगल में हम देख सकते हैं कि कांटों के झाड़ बहुत है तो अगर कोई अकेला आने की कोशिश करता है या तो वो कोशिश ना करे क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आके देखना है तो आपके हाथ में काटी होना जरूरी है उसके साथ आपके हाथ में कुछ हथियार होना भी ज़रूरी है ताकि ये जो का कांटों का जो झाड़ है ये आप तोड़ सके और सही रास्ता बनाकर ऊपर आ सके क्योंकि अभी हम ऊपर आए हैं तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा है क्योंकि ये जो हाथ है ये पूरी तरीके से कांटों से कांटों के घाव पड़े हुए हैं तो ऐसी दिक्कत आपको ना हो जाए ऐसी मुश्किलें आपको ना मिल जाए इसके लिए हम बताने की कोशिश करते हैं कि आप अगर आना चाहते हैं तो इस एंगल से आइए हाथ में कुछ लकड़ी होनी चाहिए और उसके साथ कुछ हथियार होने चाहिए जिससे आप ये कांटों के झाड़ तोड़ सके और इस लेनी में देखने के लिए आएंगे तो इस खाली पत्थर में कार्विंग की है अंदर एक छोटा टाइप रूम बनाने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं कि मेरे हाइट के बराबर है लगभग मेरे हाइट के बराबर यानी कि पाँच पाँच फुट चार इंच के आसपास ये लेनी है और इसका जो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो रुंदी है जैसे हम कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो चौड़ाई है वो लगभग हम कह सकते हैं कि दो फुट के आसपास है दो या तीन फुट के आसपास है ज़्यादा लंबी नहीं है और अंदर हम देखने जाएंगे तो अंदर ये जो रास्ता है अंदर ये जो अंदर रूम भी है तो बाहर से अगर अंदर हम मांगे करीबन बीस से पच्चीस फीट अंदर तक ये कार्विंग की हुई है तो इस तरीके से ये लेने का निर्माण है और कुछ लोग आते हैं यहाँ पर किसी ने अपने नाम भी लिखे हुए तो लोग यहाँ पर आके गए हैं इसका जिक्र होता है कि लोग यहाँ पर आते हैं और अपना नाम भी लिख कर गए इसका मतलब कोई तो यहाँ पर आए और कुछ साथियों ने यहाँ पे इस लोकेशन भी अपडेट किया है इसलिए इसका लोकेशन पता चलता है लेकिन लोकेशन इस तरीके से दिखाई देता है कि अगर आपको इस लोकेशन के थ्रू आएंगे तो आप किसी और जगह पर फंस जाएंगे इसलिए अगर आपको आना है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके ही आइए ताकि आपको सही रास्ता मिल सके और सही रास्ते से आप ऊपर आ सकेंगे तो यही आज का ऐतिहासिक धरोहर है दोस्तों ये बताने की हमने कोशिश की है तो इसके लिए ये सारे भारत में ऐसे बहुत सारी जगह है कि जहाँ पर कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ बहुत पुरातन वास्तु है तो इसको जतन इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे इतिहास की इतिहास को उजागर करने की कोशिश करता है तो शायद आप अगर इस जगह पर देखेंगे तो ये करीबन 2000 साल पुराना है तो यानी कि सातवान काल के समय में इसका निर्माण हुआ है ये हम कह सकते हैं उसके साथ साथ सातवानों का जो गौतमीपुत्र सातकर्णी राजा था तो इसके अंडर में ये पूरा अपरांत एरिया था यानी कि आज के जो सारा अपरांत एरिया है जिसे हम आज के ज़माने में कोकन कहते हैं तो ये दो तरी दो में दो विभागों में कोकन बांटा हुआ था जिसे उत्तर भाग कहते हैं और दक्षिण भाग कहते हैं तो ये दक्षिण भाग में आता है दक्षिण उत्तर के बीच में ही यह भाग है और वहां पर यह अपरात का एरिया है और यह गौतम पुत्र सातकर्णी के अंडर में आता है उस समय आता था तो यह कह सकते हैं कि शायद उसी के समय में ही ये कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश की है ताकि ये भी ट्रेड रूट्स है यहां से थोड़ा आगे जाएंगे तो महाड़ में जाएंगे वहाड़ से मानगाव है मानगाव से आगे तो आप जाएंगे तो खेड़ लेनी है खेड़ से महाड़ से थोड़ा खेड़ लेनी है खेड़ से आगे जाएंगे तो चिपलुन है चिपलुन से आगे जाएंगे तो कोल्केवाड़ी होकर आप राजापुर राजापुर से आप सिंधुदुर्ग में जाएंगे तो वहाँ से गोवा तक जाता है और गोवा से लेके नीचे साउथ एशिया में साउथ भारत में ये पूरा ट्रेड रूट जाता है तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस होते हैं क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कुछ बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच कर बनाया होगा इसीलिए ये वास्तु है तो दोस्तों हमारी कोशिश है कि आप तक ये सारी बातें पहुँचें इसके लिए जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर को हम उजागर करने की कोशिश करते हैं तो आप ये जो सारे वीडियो हम बना रहे हैं या वीडियो के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं तो साथियों इसके लिए देते हैं ताकि आपको भी ये पता चले इसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इसके साथ 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 हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं इसको इसीलिए बचाना चाहिए क्योंकि ये भारत की पुरानी हिस्ट्री है अगर कोई हिस्ट्री भूलता है तो नई हिस्ट्री बना नहीं सकते ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी बात को सामने रखते हुए हमें अपनी विरासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए तो यहाँ से जाते, जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा कि आपके जगह पर जितनी सारी लेनिया है या जहाँ जहाँ पर आपके ऐतिहासिक बुद्ध धरोहर है तो उसको बचाने के लिए आप ज़रूर आगे आइए अगर और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए और जानकारी चाहिए और आपके पास जहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशंस मिलती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है वेबसाइट का डिटेल्स है और ये स्क्रीन पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस दिख रही है तो साथियों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय भी देख दीजिए और आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशंस है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक जय भीम नौ